नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। एक बयान ने लंबे समय से चली आ रही आयुर्वेद और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बीच की बहस को बढ़ा दिया है। ये बयान योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से ऐसा आया कि देश भर के डॉक्टरों ने खुलकर गुस्सा जाहिर किया है। और तो और, बाबा रामदेव को 1000 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी भेज दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बाबा रामदेव के बयान पर खासी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। जिस तरह से विरोध जताया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेंगी। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा पे आते हैं। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद। बाबा रामदेव के बयान के बाद एक बार फिर से एलोपैथ और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बीच तकरार नजर आ रही है। आईएमए लगातार बाबा रामदेव के बयान का विरोध कर रहा है। पहले आपको सुनाते हैं कि बाबा रामदेव ने चिकित्सकों और एलोपैथ दवाई के बारे में क्या कुछ कहा। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई। तो सुना आपने कि कैसे बाबा रामदेव ने एलोपैथ चिकित्सा पद्धति का मजाक उड़ाया। खैर, रामदेव ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन जब डॉक्टर्स ने उनको गिरफ्तार करने के लिए ट्विटर पर अभियान चलाया तो रामदेव ने फिर बयान देकर आग में घी डाल दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि उनको किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी बाबा रामदेव को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई है। वहीं अब डॉक्टरों और एलोपैथ का मजाक उड़ाने वाले वीडियो के बाद से बाबा रामदेव की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। इस सिलसिले में 2 बार सफाई देने और माफी मांगने के बावजूद डॉक्टरों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। अब आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया है। बाबा रामदेव को 6 पेज के इस नोटिस में उन्हें 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें उन्हें अपने बयान का खंडन करते हुए एक वीडियो जारी करने और लिखित माफी मांगने की डिमांड की गई है। ऐसा नहीं करने पर उनसे 1000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। बड़ी बात यह है कि बाबा रामदेव के बयान के बाद एलोपैथ और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बीच तकरार खुलकर सामने आ रही है, लेकिन ये तकरार पहले से ही जगजाहिर हो चुकी है। जब आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्य चिकित्सा का अधिकार दिया गया था, तब भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो कौन बेहतर है? आयुर्वेद बेहतर है, एलोपैथ बेहतर है? कौन सी चिकित्सा पद्धति आम आदमी के बजट में आती है? कौन सी चिकित्सा पद्धति पुराने समय से चली आ रही है और कितनी कारगर है, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेश प्रजापति फाउंडर हैं क्रिटिकल केयर के, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मनोज गोविला हैं, प्रवक्ता हैं आईएमए के, हमारे साथ हैं। सुधा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। डॉक्टर मनोज, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और जानना चाहता हूं कि आखिरकार जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसमें बाबा रामदेव के लिए जो कुछ कहा जा रहा है, एक तो मानहानि का नोटिस जारी किया गया उनके खिलाफ, उसके बाद प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया जिसमें कहा जा रहा है कि उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, क्या समझते हैं आप कि जो बयान दिया गया है वो किस तरह से डैमेज कर रहा है आईएमए की छवि को? देखिए, मैं रामदेव जी जो है एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है देश के, लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए 2 मिनट के लिए, तो उन्होंने कक्षा 8 तक पास किया है, उसके बाद वो गुरुकुल चले गए, वहाँ में योग में और संस्कृत में अपनी शिक्षा करी है ग्रहण, उसके बाद जो है उन्होंने सन्यासी बन गए हैं वो, तो उनका नाम जो है रामकृष्ण यादव जी से रामदेव रख दिया गया था। तो इतनी अगर देखें तो उन्होंने आयुर्वेद की तो शिक्षा है ही नहीं,
उनके पास उन्होंने जरूर बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी स्थापित करी है और कोई आयुर्वेदिक कॉलेज भी है और उसमें फैकल्टी भी है। हालांकि 2018 के बाद से उसमें क्लिनिकल मटेरियल की कोई जानकारी नहीं है और उसमें ये भी नहीं पता है कि कितना शल्य चिकित्सा वहां पर होती है या नहीं होती है। सर ये एक अलग इशू है, लेकिन आप ये देखिए कि उनको स्वयं इसके बारे में अपनी ही पद्धति के बारे में जानकारी नहीं है, साथ ही साथ जब अपनी पद्धति के बारे में जानकारी नहीं है कि दूसरे के बारे में क्या कर सकते हैं। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ उनका जो वो अब जो मीडिया में भी आप लोग कहते हैं कि लाला रामदेव बन गए, ही इज नॉट अ बिलियनर मल्टी बिलियनर, तो उस चीजों को बढ़ावा देने के लिए करने के लिए उन्होंने अपनी दवा बनाई है तो वो उसलिए कर रहे हैं, कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए या अपनी यूज के लिए अपनी यूटिलिटी के लिए दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं, मतलब उनके खिलाफ अनर्गल बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। की तरफ से जो बयान दिया गया वो ये कह रहे हैं कि वो एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे जिसको लेकर उन्होंने माफी भी मांगी है, फिर मामला इतना क्यों बढ़ रहा है? उन्होंने माफी, देखिए माफी उन्होंने बोला कैसे था, बोला उन्होंने टीवी पर था, लाइव शो था वो, माफी उन्होंने कैसे मांगी है? जब मंत्री जी ने, माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनको चिट्ठी लिखी है, तब उन्होंने लिखा है, उन्होंने माफी तो इस तरह से मांगी है और आरोप कैसे लगाया था उन्होंने। और उसके बाद क्या चाहता है बाबा रामदेव जो है, जो बयान उनकी तरफ से दिया गया उस पर क्या अब होना चाहिए आगे? उन्होंने जो बयान दिया वो कहे कि मैंने जो कुछ कहा मीडिया के सामने आकर बोले कि मैंने जो कुछ कहा वो गलत कहा है। नहीं, वो माफी तो मांग चुके हैं, कई बार माफी मांग चुके हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिबेट्स में माफी मांग चुके हैं, कागज पे मांगी है मीडिया के सामने, जैसे उन्होंने आरोप लगाया था वैसे आकर बोले ना, वैसे आकर बोले और कहें कि हाँ भाई ठीक है जो करने आपके विभाग पड़े थे और उनके आचार्य पड़े थे तो उन्होंने एलोपैथी की मदद ली थी कि नहीं ली थी, उनका इलाज कराया था कि नहीं कराया था। एक चीज बताइए, उनके सभी चिकित्सालय कोई भी एलोपैथ डॉक्टर नहीं है, मुझे नहीं जानकारी है, मैं पूछ रहा हूँ क्या कोई एलोपैथिक दवाई नहीं है उनके अस्पतालों में? लेकिन उन्होंने तो 25 सवाल पूछ लिए आपसे और लास्ट में ये भी लिख दिया कि अगर ऐसा होता कि एलोपैथी इतनी कारगर होती तो डॉक्टर्स मरते ही नहीं, फिर डॉक्टर्स को कोरोना या फिर अन्य बीमारियां होती ही नहीं, फिर वो खुद ही अपना इलाज करके सही हो जाते, वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं। कल को वो पूछेंगे रामचंद्र जी से, आप भगवान के फिर मर क्यों गए, जी से पूछेंगे कि आपको एक बहेलिया ने तीर मार दिया आप मर गए, ये क्या मतलब हुआ? अरे जो आया वो तो जाएगा ही, ये तो शास्त्र सत्य है, खुद भी वो कई बार ये बात कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह से देख रहे हैं बाबा रामदेव के बयान को, पहला सवाल तो ये, साथ ही साथ जुड़ा जुड़ा सवाल ये भी कि आखिरकार अब आगे क्या कहा जाए, क्योंकि विवाद बढ़ाने से आयुर्वेद भी हमको चाहिए, एलोपैथ भी हमको चाहिए, इस देश की पहचान आयुर्वेद से होती है। हालांकि 200 साल पहले एलोपैथ भी आया, वो हम चिकित्सा पद्धति भी अपनाते हैं फौरी राहत के लिए, लेकिन आयुर्वेद भी हम चिकित्सा को उसकी नकार नहीं सकते हैं, हालांकि बाबा रामदेव उसका ठेका लेकर बैठे नहीं है, इस बात को भी हमको समझना होगा। जी, जी सर, बाबा रामदेव ने जो एलोपैथी के बारे में कहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक समय दुशासन ने द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण किया था और अट्ठहास कर रहा था और उस सभा में बैठे लोग नपुंसक की भांति उसे देखते रहे। सर ये जो दौर चल रहा है ना, ये सैद्धांतिक, वैचारिक और व्यवहारिक नपुंसकता का दौर चल रहा है जिसमें बाबा रामदेव जैसे दुशासन जो हमारी सरस्वती माता हैं। सर देखिए, हमारे यहाँ जब भी दीपावली की पूजा होती है ज़्यादातर घरों में लक्ष्मी के साथ साथ जब भी पूजा होती है कहा जाता है कि सरस्वती को भी जागृत करिए, उनकी पूजा करिए। बचपन में अगर हमारे पैर से, चाहे वो इंग्लिश की किताब हो या हिंदी की किताब हो, अगर वो पैर से छू जाती थी तो हम माथे से लगाते थे कि विद्या रानी नाराज हो जाएंगी, माँ सरस्वती का अपमान होगा। तो पद्धति कोई भी हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी को हो या हमारे आयुर्वेदिक साइंस की हो, सम्मान साइंस का होना चाहिए। जब बाबा रामदेव ये कहते हैं अट्ठास लेके, अरे टर 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 डॉक्टर मर गए वैक्सीन लगवा के, इसका मतलब क्या हुआ सर?
क्या जो लोग वैक्सीन लगाने के लिए लाइन में खड़े हैं वो मूर्ख हैं? क्या जो डॉक्टर अपनी जान पे खेल के वैक्सीन लगाने के लिए वहां पे उपस्थित है वो मूर्ख हैं? क्या हमारी सरकार जो वैक्सीन के लिए दर दर भटक रही है, झोली फैला के भीख मांग रही है, क्या वो मूर्ख है? समस्या ये नहीं है, समस्या ये है सर कि जब आप साइंस का अपमान करते हैं तो हर उस व्यक्ति का अपमान करते हैं जो साइंस में बिलीव करता है। और फॉर दैट मैटर साइंस में बिलीव की अगर मैं बात करूं, सरकारें आती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन जो साइंस पे बिलीव है इस देश का, इस देश के नागरिकों का, जिसे हम देश शब्द बोलते हैं, देश क्या है, एक शब्द नहीं है, एक कलेक्टिव लोगों का बिलीफ है, एक लोगों की कॉन्शियसनेस है, एक लोगों का सोचने का नजरिया है, ये देश होता है। कोई एक किसी पार्टी का बना हुआ झंडा नहीं होता देश, इस देश पे आज कोई पार्टी शासन में है, कल कोई पार्टी आएगी, वो बदलता रहता है। लेकिन जो साइंस है, एविएशन एक साइंस है, एविएशन साइंस का मतलब उड़ान से संबंधित विज्ञान। आज हमारा देश कितनी ज्यादा, हमारे यहाँ डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, हमारा जो डोमेस्टिक ट्रेवल है कितना ज्यादा होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी एक साइंस है। सर आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ, हम डिबेट में हैं, लाखों लोग दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये भी एक साइंस है। प्रसव के दौरान कितनी माएँ मर जाती थी, कितने बच्चे अनाथ हो जाते थे, कितनों को बचाया गया, ये भी एक साइंस है। बाबा रामदेव काणे हो गए, उसके पहले उनकी क्या हालत थी और वो किस प्रकार से अपाहिज थे, ये भी एक साइंस है। तो सर जब आप साइंस का अपमान करते हैं, माँ सरस्वती का अपमान करते हैं, और पूरी दुनिया में जो हमारे देश के राजनेता हैं जो इसको समर्थित करते हैं, आपने देखा क्या वो दिन भूल गए आप जिस दिन कोरोनिल दवा का डब्बा हाथ में लिए हर्षवर्धन साहब खड़े थे? एक मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर किसी भी मेडिसिन का डब्बा ऐसे लेके खड़ा होता है सर, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसी दवा की मार्केटिंग कर रहे हैं, और आप स्वास्थ्य मंत्री होके ऐसा कर रहे हैं, शर्म नहीं आई आपको? और ऊपर से जो बाकी लोग थे, आईएमए कहां चला गया था उस समय? आईएमए को बोलना चाहिए था, आपने क्यों नहीं कहा कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल करेंगे? आईएमए के पास अथॉरिटी थी, आप कैंसिल कर सकते सर। निप इन द बेड, अगर आप गलत आदमी को कंधे पे बैठाओगे तो किसी दिन आपके सर पे बैठ के वो तांडव करेगा। और ये वही हो रहा है, एक दो कौड़ी का इंसान जो झोला छाप है, जिसका शिष्य जो है नेपाल से भाग के आया है, जिसकी नागरिकता का कुछ पता नहीं, वो खुलेआम छाती ठोक के पूरे कानून को कह रहा है कि किसी के बाप में दम हो तो गिरफ्तार करो। ऐसी नपुंसकता कानून में, माफ कीजिए सर, मैं ऐसी नपुंसक दौर का हिस्सा नहीं रह सकता। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि इस पे देशद्रोह लगना चाहिए, अन्यथा अगर आईएमए में दम है तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दे सरकार को, अगर देशद्रोह नहीं लगता है तो इमरजेंसी सर्विसेज छोड़ के सर बाकी सर्विसेज बंद कर दीजिए, इनको अपनी कोरोनल लेके आने दीजिए, हम वही दवा देते हैं जो बाबा रामदेव देंगे। ठीक है, ठीक है। सुधा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुधा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए सुधा जी, आयुर्वेद एक पद्धति है, बाबा रामदेव एक पद्धति का हिस्सा कहे जा सकते हैं, लेकिन वो आईएमए के कोई माफ कीजिएगा, ये जो आयुर्वेद है उसके कोई गुरु नहीं है, वो उस पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप किस तरह से देख रही हैं बाबा रामदेव के रिएक्शन को, उसके बाद जो आईएमए नाराज है उनसे कार्रवाई की मांग कर रहा है उसको? आप तक पहुंच रही है? चलिए, हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मनोज जी देखिए, आयुर्वेद को लेकर और बाबा रामदेव को लेकर दोनों को एक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आयुर्वेद एक पद्धति है, बाबा रामदेव उस पद्धति का हिस्सा भले कहे जा सकते हैं क्योंकि वो उस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी, तो आयुर्वेद को गलत कहा जाएगा एलोपैथ की तरफ से, या फिर आयुर्वेद एलोपैथ को गलत कहेगा, ये सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाबा रामदेव ने जो बयान दिया उस पर अपने विचार रखे जा सकते हैं। जी, कभी आईएमए ने ये बात नहीं करी, ना ही किसी एलोपैथिक डॉक्टर ने ये बात कही है कि आयुर्वेदिक गलत है। आयुर्वेदिक की भी उतनी जरूरत है जितनी एलोपैथ की जरूरत है, वो अपनी अलग साइंस है और एलोपैथ एक अलग साइंस है। सबकी जरूरत होती है, दोनों हाथ की जरूरत होती है, सारी उंगलियों की जरूरत होती है, शरीर के हर हिस्से की जरूरत होती है इंसान को। तो बात रामदेव जी की हो रही है, बात आयुर्वेदिक की हो ही नहीं रही है। आयुर्वेद को तो उन्होंने एक कमर्शियल कम्युनिटी के रूप में ले रखा है, इतनी सारी कहानी और कोई बात ही नहीं है जो तो उनको आयुर्वेद का कुछ ऐसा कोई खास ज्ञान मेरे मैं तो नहीं समझता है। हाँ, उनको संस्कृत का हो सकता है, उनको योग का हो सकता है, जो उन्होंने गुरुकुल में पढ़ा होगा, आयुर्वेद तो उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्या बाबा रामदेव या फिर जो पतंजलि कंपनी वो चला रहे हैं वो
प्राइवेट के जो एलोपैथ के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनको टक्कर दे रहे हैं, एक चैलेंज दे रहे हैं, क्या ये सत्य नहीं है? नहीं देखिए, चैलेंज दे रहे हैं क्या दे रहे हैं वो लोगों के ऊपर है कि प्राइवेट कर रहा है ना सर, वो भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस हो गया है अब तो। मेरी बात सुनिए, प्राइवेट एलोपैथ अस्पताल जाए या प्राइवेट जो है वो पतंजलि का जो भी उनका ट्रीटमेंट का है वहां पर जाए, वो लोगों के ऊपर है। अब हर चीज का कमर्शियलाइजेशन तो हो गया है, उन्होंने अपना कमर्शियलाइजेशन कर दिया है, अपना ब्रांड बना दिया है, सब कर दिया है। तो ये देखिए, बात मुद्दे की केवल ये है, गांधी जी ने कोई चीज बोली है और जो वो न्याय थी गलत है देश के ऊपर से ने जो बोला वो गलत हो सकता है, बिल्कुल मान रहा हूँ सर, मैंने आपकी बात को समझा, सुना और स्वीकार भी रहा हूँ। और बाबा रामदेव को अपने जो शब्द हैं उसको वापस लेना चाहिए, जैसे भी आप चाहें उनसे लिखित माफी मंगवाएं या फिर जैसे भी मंगवाएं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो बिजनेस चल रहा है, आप मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का अगर नाम लूं, अपोलो का नाम लूं, इसके अलावा फोर्टिस का नाम लूं, मैक्स का नाम लूं, तो ये बिजनेस चला रहे हैं और ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं जो प्राइवेट हैं वो बिजनेस चला रहे हैं, आम आदमी की जान को किसे पड़ी है? अगर एक हफ्ता कोई आदमी अगर इन हॉस्पिटल्स में चला गया तो अपनी जमीन और जायदाद ना बेचना पड़ जाए उसको, इतना तो खर्चा हो जाता है, और फिर हम कहते हैं हम आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर सवाल खड़े कर दिए बाबा रामदेव ने। बाबा रामदेव गलत होंगे लेकिन आप भी पब्लिक जो है, आम आदमी जो है उसके सरोकार का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतनी महंगी पद्धति कर दी है आपने, इतना बिजनेस हो गया है कि कोई उससे आगे बात ही नहीं करता है। ये बात होनी चाहिए एक मेजोरिटी की, आप बात कर रहे हैं माइनॉरिटी की, 1-2% की। आप ये बताइए कि मरीज के जो है इन अस्पतालों में उसको जाने की जरूरत है? ये सरकारी अस्पताल है और भी छोटे अस्पताल है जिनमें की ज्यादा काफी सारी सुख सुविधा है। अगर आपको मैं बताऊं कि पूरे देश भर में 1-2 प्रदेश को अगर छोड़ दें तो सारी जगह पर, सारे प्रदेशों में, सारे राज्यों में जो सरकारी हॉस्पिटल है उनसे कहीं ज्यादा तादाद बड़ी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। इस बात से क्या आईएमए इनकार कर देगा? तो फिर हम प्रमोट किसको कर रहे हैं? हम प्राइवेट को प्रमोट कर रहे हैं जो आम आदमी का खून चूस रहा है, क्या इस बात से इनकार कर देगा? ना, बिल्कुल खून नहीं चूस रहा है, बिल्कुल खून नहीं चूस रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? अगर एक हफ्ता प्राइवेट में रहकर मैं कहता हूँ कोरोना का ही इलाज करवा ले तो 5-6 लाख का बिल थमा देते हैं हॉस्पिटल वाले, क्या बात कर रहे हैं आप सर? 5-10-15% हो सकते हैं, सारे डॉक्टर नहीं है। मैं सारे डॉक्टर्स को नहीं कर रहा, हॉस्पिटल को लेकर जो बिजनेस चल रहा है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। आप 5-10-15 की बात कर रहे हैं ना, तो सरकार इस देश की कितनी मेजोरिटी है, कितने परसेंट लोग हैं, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो एक दिन का भी, सिर्फ एक दिन का प्राइवेट का इलाज करवा सकते हैं इस देश के अंदर? मैं देश नहीं के करवा अंदर सकता। पिछले साल ही 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए और हम इलाज को महंगे पर महंगा किए जा रहे हैं, अमीरों के लिए ये पद्धति है क्या? आप ये बताइए, अभी कोरोना काल है जी, ठीक है जी, इसमें क्या चीज महंगी नहीं हुई है? डॉक्टर का इलाज छोड़कर, डॉक्टर की फीस छोड़कर, हर चीज महंगी हुई है, महंगी है सर। अब मेरी बात आप चले जाइए डॉक्टर को दिखाने, जो जितना क्वालिफाइड डॉक्टर है उतना लंबा पर्चा उसका बनता है, क्या इस बात से इनकार है? मेरी बात सुनिए जी, जी बताइए कि आप ये देखिए, हर चीज के दाम बढ़ गए, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है। डॉक्टर को हर चीज जो 5 रुपए की मिलती थी आज 15-20-50 रुपए की मिल रही है। डॉक्टर ने कहीं कोई चीज नहीं बढ़ाई है। आप ये बताइए कि कहीं पर भी, मैं सही की बात कर रहा हूँ, आप गलत की बात करेंगे वो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आप ये मुझे बताइए, मारपीट होती है, तोड़फोड़ होती है, क्या उसका कोई प्रतिपूर्ति मिलता है शासन प्रशासन या जिन लोगों ने किया है उनसे डॉक्टर को दिलवाया जाता है? सर डॉक्टर जो है उनका हर कोई सम्मान करता है, उनको भगवान मानता है, मैं भी मानता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन गलत बात पर गलत बात को मैं सर नहीं कर सकता। आप भगवान ना मानिए लेकिन डॉक्टर का जो ड्यू है वो तो उसको दीजिए भाई। अरे तो कहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है,
आप तो जितना चाहते हो इतने का कोई, अच्छा मुझे बताइए क्या कोई ऐसा नियम कायदा कानून बना रखा है कि एक जो डॉक्टर है उसको दिखाने के लिए इतने का पर्चा बनेगा प्राइवेट के लिए? क्या कोई ऐसा नियम कायदा कानून बना हुआ है इस देश के अंदर प्राइवेट के लिए? क्या कुछ आपने नियम कायदे बना रखे हैं ऐसे कि इससे ज्यादा इलाज नहीं करवाएंगे? कोरोना काल को छोड़ दीजिए, अगर मैं नॉर्मल डेज की बात करूं तो कोई 500 का पर्चा बनाता है, कोई 1000 का बनाता है, कोई 800 का बनाता है, और जो अच्छे हैं वो 1 रुपए में भी इलाज कर देते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे बता दीजिए कि पूरे देश में किसी भी प्रोफेशनल सर्विसेज के पैसे जो है, कंसल्टेशन जो है, वो फिक्स्ड है? नहीं बिल्कुल, मैं नहीं, आप दूसरी चीज बताइए, ठीक है? ठीक है, वकीलों की फिक्स्ड है? नहीं, आपकी बात भी सही है लेकिन मैं भी गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? मेरा संपर्क शायद सुधा जी से हो गया है। जी सर, आता हूँ आपके पास आता हूँ सर। सुधा जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सुधा जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजेश जी आपके पास आना चाहूंगा, और जो जिस बात का मैंने जिक्र किया, मुझे एलोपैथ से कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाबा रामदेव का प्रवक्ता मैं चाहता हूं सवाल सीधे पूछे। हाँ, समय मत व्यर्थ करिए। कि एलोपैथ जो है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो बिजनेस, मैं समझ गया, मैं समझ गया, और बिजनेस पर सवाल अगर खड़ा हो रहा है तो फिर दिक्कत है या फिर एलोपैथ से दिक्कत है? ओके ओके सर, देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो हेल्थ है, हेल्थ सेक्टर को सरकार ने इतनी बुरी तरह से नेग्लेक्ट किया है जैसे कोई अपने सौतेले बच्चे को भी नहीं करता। आप अपनी जीडीपी का 1.8% खर्च कर रहे हैं हेल्थ पे, ठीक है? आपके पास जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम है वो जो कॉलोनियल एरा का था, कॉलोनियल एरा मतलब जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, उस टाइम का जो बना हुआ है वो है, जो कांग्रेस 70 सालों में जैसे तैसे खींच पाई वो बना हुआ है। मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं आपकी बात सर कि हम फेल हुए हैं, वी हैव फेल्ड एज अ नेशन। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि पटरियां तो वही हैं, रेलगाड़ी वही, पटरियां तो वही है ना, आपने वंदे भारत एक्सप्रेस नए डिब्बे और नई रंग दंग के चला दी, पटरियां तो वही है ना, बिल्कुल वैसे ही जो सिस्टम है, जो रेल सिस्टम है हेल्थ का, वो वही कॉलोनियल कांग्रेस एरा का चला आ रहा है। अगर वो सक्सेसफुल होता सर, और वो जरा भी अगर सही ढंग से काम कर रहा होता तो नदियों में हमें लाशें बहते हुए दिखाई नहीं देती, यूं जो कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं ये नहीं दिखाई देता, बहुत विप्स लगता है, सुनने में बहुत पीड़ादायी लगता है, लेकिन ये सच है। दूसरी बात जो आपने की कि डॉक्टर्स इतनी हाई फीस क्यों रखते हैं, सर जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है उसको लिबर्टी होती है। आपने कभी किसी लॉयर से नहीं पूछा कि साहब इस हलफनामे का तो हाईकोर्ट वाला लॉयर 500 ले रहा है, आप 5 लाख क्यों ले रहे हो? ठीक है, अगर आप चैरिटी एक्सपेक्ट करते हो डॉक्टर से तो क्यों नहीं आपने जीएसटी एग्जेम्प्ट किया? कोरोना टाइम में भी जीएसटी पड़ रहा था सर, 3 रुपए की सिरिंज जीएसटी की वजह से 5-6 रुपए की पड़ रही थी, आप जीएसटी छोड़ सकते थे। आपको डॉक्टरों का सम्मान करना था, आप डॉक्टरों को बोलते कि साहब आपकी 3 साल की जितनी भी इनकम होगी हम टैक्स फ्री करेंगे, आप जो भी गाड़ियां लेंगे उसके लिए हम पूरा का पूरा एक्साइज टैक्स माइनस करेंगे, आप जो पेट्रोल भराएंगे अगर आप डॉक्टर अपना कार्ड दिखाएंगे तो आपको जो है जो एक्साइज ड्यूटी ले रही स्टेट गवर्नमेंट माफ कर सकती थी, आप प्रोत्साहन तो दो। आप मेरी बात, सिंपल सी लॉजिक है सर, अगर जो रॉकेट चंद्रयान और मूनयान में इस्तेमाल हुआ, मतलब जो चंद्रमा और मंगल ग्रह तक हमारा यान पहुंचा, अगर उसका इंजन पीडब्ल्यूडी को बनाने को दे देंगे तो क्या होगा? पीडब्ल्यूडी अगर उस यान का इंजन बनाएगी तो शायद 10 किलोमीटर भी ना जाए, चांद तो मंगल बहुत दूर। इसरो में ये काम क्यों कर पाता है? क्योंकि वो वैज्ञानिकों को हायर करता है, ज्ञान का सम्मान करता है, उनकी विद्या का सम्मान करता है, उसी प्रोपोर्शन पे करता है। लेट मी कंप्लीट सर, अब हम सॉल्यूशन नहीं, मैं ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, जो गवर्नमेंट खर्च करती है वो सरकारी के लिए खर्च करती है, सरकारी की हालत बदतर है ये हम समझ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट की हालत बदतर तो कहीं से नहीं लगती, वो तो टक्कर देता है। सरकारी जो बजट होता है और जो रेवेन्यू होता है इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का वो उससे ज्यादा होता है, तो ऐसे में ये कहीं से कमजोर नहीं है, आपको इनको कमजोर मत कहिए। आपको पता है कि सरकारी को भले कैसे, आपको पता है टोटल बिजनेस कितना होता है मेडिसिन का सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? $750 बिलियन। बात समझिए आप, तो जो डॉक्टर्स अर्न कर रहे हैं वो पीनट्स भी नहीं है, वो मूंगफली के छिलके के बराबर भी नहीं है जो फार्मा कंपनीज ऐड कर रही हैं, जो जायंट्स ऐड कर रही हैं, जिनसे गवर्नमेंट को टैक्स की अर्निंग हो रही है। क्या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को ये जो फार्मा कंपनी से टैक्स पे कर रही है उससे अर्निंग नहीं हो रही है? तो आप कैसे कह सकते हैं भाई प्राइवेट सेक्टर का जहां से फायदा है प्राइवेट सेक्टर वो खड़ी है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, सरकार को जहां से फायदा है, मॉनिटरी टर्म्स में सरकार को फायदा था उनके साथ खड़ी थी, अब सरकार को समझ में आ रहा है कि दवाइयां होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने
देखिए जहां सुमति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना वाली बात होती है। सुमति मतलब आपकी अगर जो फेथ है, जो इंटेंट है वो प्योर है, आपकी अगर मनसा साफ है, आपकी मन की भावना पवित्र है, तो आप सही काम कर सकते हैं। 484 दिन मिले थे सरकार को, आज से 484 दिन पहले कोरोना का पहला केस डिटेक्ट हुआ भारत में। क्या इन्हें नहीं पता था कि अगर मास कैजुअलिटीज होती तो हमें बड़े हाई लेवल पे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए थे? कहां थे इनके रिपोर्ट्स? आप इनसे ये सवाल पूछिए ना कि 480 दिन में आपने क्या किया। मैं मानता हूं कि हमारे डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, जैसे मैंने जब इतनी बड़ी वेदना देखी तो मैं घर घर जाके कोरोना पॉजिटिव मरीजों को घर घर जाके देख रहा था। मैंने किसी से चार्ज नहीं लिया, लोगों के एड्रेस, फोन नंबर, उनका आधार कार्ड नंबर है, मैं आपको दे सकता हूँ, वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए सर, बात से बिल्कुल, देखिए सर, मैं सुनिए, पूरी बात सुनिए, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, व्यापार करता हूँ, लेकिन मैं किसी की मजबूरी का व्यापार नहीं करता। आई मे बी अ बिजनेसमैन, लेकिन मैं कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उससे व्यापार नहीं करता। शायद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुधा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुधा जी, हेलो, सुधा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है जी। सुधा जी, मैं देखिए, आज चर्चा इसी विषय पर हो रही है कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ। बाबा रामदेव सवाल खड़े करते हैं एलोपैथ पे, लेकिन क्या इसे सिर्फ बाबा रामदेव का बयान माना जाए या फिर पूरी आयुर्वेद पद्धति का बयान माना जाए? आयुर्वेद पद्धति कभी भी किसी पे सवाल नहीं खड़ा करती पहले, क्योंकि एक बहुत ही नोबल वो है और ह्यूमैनिटी जब से है तब से शुरू कर रही है ह्यूमैनिटी को। हमारा किसी के साथ कोई दुराव नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अपनी राय रखता है तो वही जाने वो क्या कहता है। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है तो कोई भी हो, चाहे वो मॉडर्न हो चाहे आयुर्वेद हो, ये एक ऐसा महामारी का दौर है को जैसा अभी बाकी लोग भी बता रहे थे कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमें कहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो उस इंसान को ये करना चाहिए था, उस पैथी को ये करना चाहिए था, उसने नहीं किया। क्योंकि ये टाइम कभी भी क्राइसिस में आप ये नहीं देखते हो कि सामने वाले ने क्या किया, आप क्यों ये नहीं देखते कि हमने क्या किया। अगर हम आयुर्वेद से हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार में काम करते हैं, हम स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ से बिलोंग करते हैं, हमारे दो कॉलेजेस में कोविड के हॉस्पिटल पिछले साल से ही रन कर रहे हैं। अभी भी वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो शहर है पीलीभीत वाराणसी, वहाँ का इनपुट ले सकते हैं आप कि वो किस तरह काम रहे हैं। बाकी कॉलेजेस लखनऊ है, लखनऊ में सारे पेपर्स में हमारे जो डॉक्टर हैं उनके मोबाइल नंबर होते हैं, हम एवरी डे 100 के राउंड कॉल रिसीव कर सकते करते हैं। जो भी लोगों को एडवाइस है, सवाल ये है कि क्या बाबा रामदेव ने आयुर्वेद पद्धति को हाईजैक तो नहीं कर लिया है और हाईजैक करने के बाद में उसे बिजनेस में तब्दील तो नहीं कर दिया है? देखिए, अगर कोई भी मॉडर्न के का जानकार हो या आयुर्वेद का, अगर वो समझता है कि वो उसका अपना है तो ये तो उसकी अपनी राय हो सकती है। हमें उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा और क्या कर रहे हैं, इसके जवाब तो शायद वही दे सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जब वो कोरोनिल लेके आते हैं तो सरकार भी सपोर्ट करती है, दो मंत्री जो होते हैं वो भी उनकी दवाई लेकर हाथ में खड़े रहते हैं, यानी कि सरकार का पूरा सपोर्ट रहता है, लेकिन जो आयुर्वेद है उससे जुड़ी जो पद्धति है उसका प्रचार कहीं होता हुआ नजर नहीं आता है। क्योंकि बाबा रामदेव एक आयुर्वेद का हिस्सा हो सकते हैं, इस पद्धति का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो आयुर्वेद तो नहीं हो सकते हैं। ये पूरी पद्धति उनकी बनाई हुई तो नहीं है या फिर विकसित की हुई तो नहीं है, तो ऐसे में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार नहीं करती है सरकार, बाबा रामदेव का करने लगती है, तो ये लगता है कि जैसे बाबा रामदेव ने हाईजैक कर लिया है। देखिए, जहां तक हम देख पा रहे हैं तो हम जो अपने लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, हम तो किसी का भी नाम नहीं लेते, किसी भी पर्सन का नाम नहीं लेते, और आयुर्वेद कभी भी बस मेडिसिन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये हमें बहुत सी चीजें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को भी समझाता है, रहने के तौर तरीके। अभी इसमें लोग डिप्रेशन पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, कोविड से बच जा रहे हैं, पोस्ट कोविड जो उनके प्रॉब्लम्स है ना वो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो कोई भी व्यक्ति कोई टैबलेट खिला के, हमें कुछ नहीं जानते, हमें सिर्फ इतना पता है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो पूरा एक सिस्टम है, और कोई भी एक एब्सोल्यूट वे नहीं हो सकता किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के। एलोपैथ में अब ये कहा जा रहा है कि एलोपैथ जो है एक बिजनेस बन चुका है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए हैं और वो आम जनता, उसमें जो गरीब जनता है वो इलाज भी नहीं करवा सकती, एक दिन का भी इलाज नहीं करवा सकती। ऐसे में
आयुर्वेद के साथ भी यही होने वाला है आने वाले समय में, वो भी धीरे धीरे करके एक बिजनेस में तब्दील हो जाएगी, और जो पद्धति असल पद्धति है जो हमको सिखाती है, जो पुराने जमाने से चली आ रही है, पुरातन काल से चली आ रही है, वो कहीं छिप जाएगी। ये तो इस देश के लिए विडंबना है, और जब भी इतने बड़े पॉपुलेशन को जो कंट्री होल्ड करती हो, अगर वहाँ हम किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के को एक किसी सिस्टम को दे देते हैं तो कभी भी इससे देश का भला नहीं हो सकता। हमारी ढेर सारी जनता पेरिफेरल विलेज में रहती है, गांव में रहती है, तो कोई भी सिस्टम इफेक्टिव तभी हो सकता है जब हम उसे एकदम डाउन लेवल तक अपने गाँव तक लेके जाए। कोई भी कॉरपोरेट का हॉस्पिटल, चाहे वो मॉडर्न का हो या आयुर्वेद का हो, हमें नहीं कहते कि सारे हॉस्पिटल गलत काम करते हैं, बिकॉज की अभी तक अपनी लाइफ में मेरा ये यहाँ पर इलाज जो है वो महंगा होता है, मैं इसका जिक्र कर रहा था। लेकिन एक आयुष मंत्रालय भी सरकार की तरफ से बनाया गया, लगभग 3,000 करोड़ का उसका बजट भी रखा गया, लेकिन आयुर्वेद के इलाज के नाम पर हम देखते हैं सिर्फ बाबा रामदेव का प्रचार होता रहता है, या फिर बाबा रामदेव का प्रचार अगर ना भी हो तो आयुर्वेद का कोई ऐसा प्रचार नहीं होता है, या फिर उसकी कोई ऐसी पद्धति जो आम लोगों तक पहुंचे, उसका फायदा उठा पाए वो लोग, वो ऐसी पहुंचती हुई नजर नहीं आती है। तो फिर ये आयुष मंत्रालय जो आयुर्वेद को भी प्रमोट करता है, क्या काम है इसका? फिर सर मैं कह सकती हूँ कि जिनके पास ऐड करने के पैसे होते हैं वही मीडिया या प्रिंट मीडिया में अपने ऐड को दे सकता है। ऐसा है कि जो बड़े लोग हैं वो भी बहुत काम कर रहे हैं, आम जनता तक पहुंच रही है। कभी भी आप एक सर्वे करा के देखोगे, जब छोटे छोटे गांव का जिलों का सर्वे करा के देखोगे आप, तब आप अपने आप इस बात को महसूस करोगे कि जो भी कोई इंडिविजुअल या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल, एक ऐसा नहीं है कि वही सबको कर रहा है। ढेर सारे लोग, जैसे आयुष मंत्रालय बना, सरकार की मोती स्टेट की अपनी है, हमारे जो आयुष के डॉक्टर है, मोर देन डॉक्टर कोविड के टाइम में डिफरेंट, जो हमारे यहाँ जिले में डीएम होते हैं उनके यहाँ जितने लोग अटैच किए जा रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे उनकी ड्यूटीज लगाई जा रही हैं, एक कंटिन्यूअस अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मीडिया में नहीं आते, इसीलिए लोगों को शायद इस बात का पता नहीं चलता है कि जो सच्चे सर्व कर रही है वो एक बहुत बड़ी लॉट है। तभी वो मनोज देखिए ये बात निकलकर सामने आई कि जो दिखता है वही बिकता है, अब जो दिख रहा है वहीं बिक रहा है, वो आयुर्वेद में हो, वो एलोपैथ में हो, आम जनता की किसी को पड़ी नहीं है कि वो सस्ते में इलाज करा पाए, या फिर सरकार भी उस तरह से प्रमोशन नहीं करती है, करती हुई नज़र नहीं आती है, करती होगी लेकिन नज़र तो नहीं आती है। तो ऐसे में जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, इलाज मिलना चाहिए, इस देश का नागरिक होने के नाते हमको जीने का अधिकार तो संविधान ने दे दिया है, लेकिन इलाज में हमको सुगमता हो इस तरह की कोई व्यवस्था तैयार की नहीं गई है, क्योंकि बड़े बड़े रेवेन्यू हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उसमें बड़े बड़े लोगों के इलाज होंगे, छोटा आम आदमी कहाँ जाएगा? वो सरकारी हॉस्पिटल जाएगा और वहीं तड़प कर मर जाएगा, कोई उसको एम्बुलेंस भी नसीब नहीं होगी, उसको बाद में शव वाहन भी नसीब नहीं होगा कि वो जाकर अंतिम संस्कार करवा पाए, ये सच्चाई है। और इस कोरोना काल ने इससे पूरी तरीके से पर्दा हटा दिया है। डॉक्टर मनोज देखिए अब आपने शासन प्रशासन पर आप आ गए, नहीं मैं दोनों चीजों को जोड़ रहा हूं जी। नहीं देखिए जहां तक डॉक्टर्स का आईएमए का एलोपैथी का सवाल है तो ज्यादातर लोगों ने जो कुछ संभव है वो उन्होंने किया और कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई नहीं है। आप इल्जाम लगा सकते हैं तो उसका परसेंटेज कम है, लेकिन हमें कहने के लिए ज्यादा बातें हैं, उसमें आपको सब पता है कि क्या है क्या नहीं है। जहां तक व्यवस्था का सवाल है, अब आप ये तो शासन प्रशासन को तैयारी, इन्होंने कहीं पर भी टेक्नोक्रेट्स को, डॉक्टर्स को सर्वोपरि नहीं रखा, उनकी बात नहीं मानी है। डॉक्टर्स ने कहा लॉकडाउन, अब उन्होंने एक मखौटे के रूप में लॉकडाउन लागू जब देश में और प्रदेशों में किया गया, देखिए किस तरह से जो है सारी संख्या कम होती चली गई जा रही है अपने आप, और जब नहीं माना था तब देखिए आसमान छू रही थी। तो जहां जहां नहीं, अब आप ये देखिए ऑक्सीजन की सब की बातें तो पहले से ही डॉक्टर सब कर रहे थे, आज इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन
जिसकी प्योरिटी के बारे में को ना कोई जांच होती है ना कुछ पता, उसको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको ऑक्सीजन कन्वर्ट कर दिया, वो किसकी प्योरिटी कितनी है, कितनी शुद्ध है, कितनी स्टराइल है, कितनी इंफेक्टेड है, इसके बारे में नहीं पता। आप देखिए तरह तरह के इन्फेक्शन जो साथ साथ में कोरोना के आ रहे हैं। आईएमए ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा कि बाबा रामदेव पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। बहुत अच्छा बात, ठीक है, मैं भी समर्थन करता हूं। अगर पद्धति पर सवाल खड़े किए हैं तो आप जिस तरह से कार्रवाई चाहते हैं उस तरह से करवाइए, लेकिन जब अपने अंदर कमियां हैं उस पर भी आईएमए पत्र लिख देता, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल के लूटखोरी हो रही है उस पर भी पत्र लिख देता, आपने खुद ही एग्जाम्पल बताया अभी ऑक्सीजन को लेकर, उस पर भी पत्र लिख देता तो हमको भी अच्छा लगता, आम आदमी की सुगमता होती तो हम भी थोड़ा प्राउड महसूस करते, अभी भी प्राउड महसूस करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, भगवान मानते हैं, लेकिन फिर ज्यादा होता। ये सारी बातें आईएमए और आईएमए के डॉक्टर शासन प्रशासन को समय समय पर बताते रहे, तो शासन सुन नहीं रहा है अपनी बात। देखिए वो क्योंकि हम लोग हैं, हमारी बात वहां तक पहुंची नहीं पाती है या डिस्टॉर्ट होकर पहुंचती है। आप देख लीजिए जिन अस्पतालों की बात कर रहे हैं उनमें पैसा किसका लगा है और उनका इनॉग्रेशन कौन करता है, कभी किसी डॉक्टर ने किया उनका इनॉग्रेशन, उनको वहां इलाज कराने सबसे पहले कौन कहां जाता है, जितने शासन प्रशासन के लोग हैं वो कहां जाते हैं सबसे पहले, वो वहीं जाते हैं। और हिंदी में एक शब्द है धंधा, तो ये धंधा चल रहा है इलाज के नाम पर। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि अपनी कमियों के बारे में डॉक्टर्स ने क्यों नहीं लिखा, डॉक्टर्स के परसेंटेज है, मैं मानता हूं उनमें कमियां हैं सब है, लेकिन उतनी नहीं है, कमियां कहां नहीं है, जिनको हम लिखते पर जिनको हम बता रहे हैं उनमें कमियां नहीं है। अगर कमियां नहीं होती तो इतने लोग की मौत ना होती, इतने लोग जो है लोग छोड़कर ना चले जाते एक दूसरे को, परिवार में बच्चे अनाथ ना हो जाते, तो कमियां वहां की कमी की कोई बात नहीं हो रही है, जो कि हमारे हाई माननीय हाई कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी बार बार संज्ञान ले रही है, आप लोग बार बार संज्ञान ले रहे हैं, कमी कहां ज्यादा है, किस कमी की वजह से ज्यादा ये देश की हालत हुई है, ये प्रदेश की हालत हुई है, ये शहर की हालत हुई है, किसकी कमी की वजह से, डॉक्टरों की कमी की वजह से या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की कमी की वजह से, आप बताइए मुझे। नहीं, डॉक्टर्स की तो वैसे भी कमी है, 1000 पर एक डॉक्टर भी नहीं है, 0.8 डॉक्टर पढ़ते हैं, हजार पर एक भी डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं तो आज जो आप कमियां बता रहे हैं ना कि आईएमए ने मैंने जो है उनकी लिखी तो जो है अपनी कमी भी लिख देता, उसके लिए मैं कह रहा हूँ आपसे। नहीं, आप ये मत बताइए आज की स्थिति जो है वो डॉक्टर्स के अंदर जो कमी है या अस्पतालों के अंदर जो कमी है उसकी वजह से है। तो मैंने कहा ना हिंदी में एक शब्द है, हिंदी में एक शब्द है धंधा, तो ये धंधा चल रहा है इलाज के नाम पर, ये जो एक मंत्रालय चल रहा है स्वास्थ्य विभाग, ये धंधा चलवा रहा है क्या? हालांकि ये धंधा बड़ा नेगेटिव वर्ड लगता है, लेकिन अंग्रेजी में आ जाते हैं तो बिजनेस बोलने लगते हैं, लेकिन ये धंधा ही हो रहा है एक तरह से। ये जनाब जो धंधे की आप बात ये सब कर रहे हैं, इसका जवाब तो हमसे ज्यादा जो है शासन प्रशासन दे सकता है ना। हाँ, तो शासन प्रशासन से आपको भी पूछना चाहिए था, आईएमए के आप प्रवक्ता हैं, आपने कितनी बार पूछा। चलिए ठीक है, इस बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश जी, आपके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि मैंने बोला ना कि एक बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है, तो इस धंधे में जो जो शामिल होकर प्रॉफिट ले पाता है वो लेकर अपने हाथ साफ करके कहता है हम तो बड़े सीधे हैं, हमसे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं वो आयुर्वेद में हो, वो एलोपैथ में हो, या फिर इस देश में जो भी चिकित्सा पद्धति चल रही है उसमें अच्छे लोग भी हैं, वो फ्री में भी इलाज कर रहे हैं, कम पैसे में लेकर भी कर रहे हैं, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं और आप भी एक एग्जांपल बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो धंधा चला रहे हैं दोनों तरफ, वो आयुर्वेद में चला रहे हो, वो एलोपैथ में चला रहे हो, इस देश के लिए वो एक दीमक है, चाट रहे हैं देश को और इस देश की आम जनता का खून चूस रहे हैं, इस बात से इनकार करेंगे क्या? बिल्कुल सर, मैं आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि डॉक्टरी पेशा एक धंधा है और हम टैक्स पे करते हैं। पॉलिटिक्स क्या है? वो भी तो धंधा है। बिल्कुल धंधा है। कोई पॉलिटिशियन टैक्स पे करता है कि साहब मैंने पॉलिटिशियन से बन के इतनी कमाई की? नहीं करता। रही बात अगर आप क्वालिटी सर्विसेज की बात करें सर, तो जिस प्रकार आप स्वास्थ्य को देखते हैं उसी प्रकार आप शिक्षा को देखिए। अगर प्राइवेट स्कूल नहीं होते तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके जैसे
मेरे जैसे या बहुत सारे ऐसे लोग जो शहर में पढ़े हैं और शहर के अगर सरकारी स्कूलों के संपर्क में रहते, खाली उन्हीं के भरोसे रहते, तो क्या आज हम यहाँ बैठ सकते थे? तो सर लेकिन, ये जो ज्ञान की गंगा भारत में बह रही है, कहा जाता है कि क्या पहले आईएसपीसीएस नहीं हुआ करते थे क्या इस देश के अंदर? समस्या को समझिए, डॉक्टर आज एक मनरेगा की मजदूर से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले डॉक्टर में और मनरेगा के मजदूर में कोई खास फर्क नहीं है। आप बात करते हैं एमएसएमई की, आप बात करते हैं भारत के विकास की, डॉक्टर खुद में एक इंडस्ट्री होता है। सरकार को मैंने कई बार पत्र लिखे, पीएमओ को पत्र लिखे, हर 15 दिन पे 20 दिन पे मन की बात होती है। क्या कभी ये बात नहीं शामिल हो सकती थी कि डॉक्टर्स को एमएसएमई में क्यों नहीं शामिल किया जाए? एमएसएमई कहते हैं ना, स्मॉल टू मीडियम स्केल इंडस्ट्री, आप डॉक्टर्स को एमएसएमई का दर्जा दीजिए, उनके हाथ खोलिए, उनको लोन्स दीजिए, जिस तरह से आप खुलेआम लोन बांट रहे हैं और एनपीए हुआ जा रहा है। कम से कम डॉक्टर भागेगा तो नहीं अपनी क्लिनिक छोड़ के? एनपीए नहीं हो सकता सर डॉक्टर को दिया हुआ लोन। डॉक्टर को जिसको आप लोन दीजिए उससे कहिए साहब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, कभी भी नेचुरल कैलामिटी होती है, डिजास्टर होता है, वील बी स्टेप अहेड टू हेल्प यू। आप कम से कम हमें मौका तो दीजिए। डॉक्टर बनना आसान होता है, आदमी मेहनत करे। मैं अपने टाइम का सीपीएमटी टॉपर था, केजीएमसी से पढ़ा, बीएचयू से पढ़ा, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, पिता यूपी पुलिस में क्लर्क की पोस्ट पे थे, निहायत ईमानदार हैं और राष्ट्रपति पदक मिला हुआ है उन्हें। एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लड़के थे जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, डॉक्टर बने हैं, लेकिन उनके पास इतना नहीं है कि एक एक क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए अपना एक सिस्टम बना सकें। उसके लिए सर हमें लोन चाहिए। डॉक्टर्स को एमएसएमई में अगर शामिल किया गया होता या जिस तरह से डॉक्टर्स को लोन दिया गया होता, प्रमोट किया, ज्ञान का सम्मान करिए सर। यदि ज्ञान का सम्मान नहीं हुआ तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स होगा। ज्ञान का सम्मान तो हर क्षेत्र में होना चाहिए। समझिए, बीएसएनएल क्यों बंद हो गया? ऐसे तो एयर इंडिया क्यों बिक गया? कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं सर, बीएसएनएल क्यों बंद हो गया, एयर इंडिया क्यों बंद हो गया? सिंपल सी बात है सर। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो किस कदर बाहर जा रहे हैं, वो डॉक्टर्स हो, वो इंजीनियर्स हो, वो बाहर क्यों जा रहे हैं? कहा जाता है कि बाहर की जो स्पेस एजेंसी है उसमें भारतीय ज्यादा हैं, तो भारतीय क्या अपने भारत की एजेंसी में काम नहीं कर सकते थे? वहां जाकर उनको काम क्यों करना पड़ा? सवाल तो बड़ा है, लेकिन सवाल ये नहीं है। ऐसे में सरकार कहेगी हम लोन तो दे रहे हैं, किसने बना किया हम लोन नहीं दे रहे? लोन लेकर अगर अपोलो खड़ा कर दिया गया, अगर मैक्स खड़ा कर दिया गया तो वो भी तो चल रहे हैं। आपने समस्या बताई, खून चूसा जा रहा है। आपने समस्या बताई, मैंने भी उसमें कुछ समस्याएं ऐड की। अब हम बात करते हैं समाधान की। देखिए सर, आपने अपोलो का नाम लिया, नाम नहीं लेना चाहिए किसी अस्पताल का फॉर दैट मैटर। अगर आप फाइनेंशियल ऑडिट कराएंगे तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे शिक्षा माफिया काम करता है। शिक्षा माफिया के बारे में तो आप जानते होंगे ना कि शिक्षा माफिया कैसे काम करता है, कैसे कोचिंग सेंटर कुकुर मुत्ते की तरह फल फूल रहे हैं और कैसे कोचिंग सेंटर में बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और ये सपना दिखाया जाता है कि आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। डॉक्टर बनके बच्चा कहाँ जाएगा, इंजीनियर बनके कहाँ जाएगा? इंजीनियर बनके अगर उसमें पीडब्ल्यूडी में नौकरी कर ली, बाबू से ज्यादा उसकी सोच नहीं बढ़ेगी। इसलिए बहुत अच्छा है, वो अच्छा अपने अपने दिमाग को व्यर्थ करने से अच्छा है बच्चा यहाँ से निकल जाए, इसरो में या नासा में जाके कुछ करे। डॉक्टर कहाँ चला जाए सर? डॉक्टर के लिए तो H1N1 वीजा जो है ना, जो ट्रंप साहब थे उन्होंने भी उसको कैंसिल कर दिया, स्टॉप लगा दिया था। तो साहब हमारे लिए ले दे के यही देश बचता है जिस मिट्टी से हम पनपे हैं, लेकिन ये देता क्या है हमें? जब जरूरत होती तब तो कहता साहब आप भगवान है। भगवान की बात छोड़ दीजिए सर, इस देश में, हमारे देश में साल में 2 बार हम लोग बच्चियों को, कन्याओं को दुर्गा माता का रूप मान के पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बालिका हत्या, सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद जो विविधता दिखती है ना सर, भूल जाइए, वो सिर्फ भारत में मिलती है। तो भगवान का दर्जा कतई मत। क्या ये एक सही बात नहीं है? सिंपल सी बात है, एक गरीब आदमी, एक डॉक्टर कह देता है कि आप ये दवाई ले आइए, ये इंजेक्शन ले आइए, तो एक गरीब आदमी अपनी जमीन बेचकर भी वो इंजेक्शन लाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जान की बात होती है वहां पर, सवाल होता है जिंदगी का, तो आदमी हर कुछ भी करने को तैयार होता है और इस बात का फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं। सर, आप और मैं जो आज बात कर रहे हैं, इस बात के मूल में कोरोना है, और जो बात आप कर रहे हैं उसके संदर्भ में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। आपको पता है कि बहुत सारे सिविलाइजेशन, कई सारी सभ्यताएं सिर्फ मलेरिया की वजह से साफ हो गई। तो अगर आप सही समय पर इलाज नहीं करेंगे, सही समय में जो पेशेंट डेंजर जोन में जा रहा है उसको नहीं पकड़ेंगे, तो एक मलेरिया भी आपको निपटाने के लिए काफी है। कोरोना तो बहुत दूर की बात है, बीमारी नहीं थी, लोगों को समझने में नया समय लगा और रिस्पॉन्स करने में समय लगा, लेकिन अब हमें बीमारी का भी पता है, कैसे मार रही ये भी पता है, लेकिन हमारे हाथ में लड़ने के लिए औजाल तो दीजिए। सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है, वो वैक्सीन चिल्लाए जा रहे हैं। वैक्सीन की सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, वैक्सीनेशन बिल्कुल फेल होगा, उसका रीजन है
सर पूरे हिंदुस्तान को रेल की डब्बे समझिए, 1000 रेल के डब्बे हैं अगर आपके पास और भरने के लिए खाली 10 पंप हैं, तो जब तक आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक पानी भर के पहुंचेंगे और हर डिब्बे में अगर 100 लोग हैं तो उस पानी को कंज्यूम कर चुके होंगे। प्रैक्टिकली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी ट्रेन यानी कि पूरे पूरे पॉपुलेशन में एक लेवल की इम्यूनिटी रहे। तो ये जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं ये 100% आएगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। अब इससे बचने का जो समय है उसमें सरकार क्या कर रही है, बीच में अपने दो चार नुमाइंदों को बाबा जैसे भांड को खड़ा कर दे रही है, वो कुछ कर रहे हैं। इसके बाद अभी एंटीगुआ में मुझे सुनने आ रहा है कि वहां से चौकसी आ रहे हैं, ये क्या है, तमाशा है ये सिर्फ, और आप एक प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं सरकार को फिर से कहता हूँ कि जागिए, अभी भी समय है। ठीक है सुधा जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि ये जो व्यवस्थाएं हैं इसमें आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ करने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी अपनी तरफ से सर्व कर सकते हैं कम से कम जो गरीब हैं उन तक राहत पहुंचा सकते हैं वो काम होना चाहिए। और ये तो पेंडेमिक सिचुएशन है, यहां तो हर किसी को आगे आना चाहिए, वो आयुर्वेद के डॉक्टर हों, वो एलोपैथ के डॉक्टर हों, वो किसी भी पद्धति के डॉक्टर हों, उनको आगे आना चाहिए और जितना मिनिमम हो सके उस खर्च पर आम आदमी को राहत देनी चाहिए। बिल्कुल सही सर, अब हमने शुरू में भी यही बात बोली थी कि ये एक ऐसा टाइम है कि हम अपने लेवल पे अपना बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिस्टम का ठीक है वो क्या है पता नहीं, बट अगर सारे जितने भी लोग हैं हम अपने लेवल पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और नो डाउट जैसे डॉक्टर सारे लोग ये लोग अपने बहुत इफर्ट डाल रहे हैं, इनके इमोशंस इन्वॉल्व हैं इसमें, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी इतना बड़े पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन के एक मतलब हमें बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है। अब किसी भी चीज को हम आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी सिस्टम को हमें मिलके अगर हम कोई सबमिसिव लेके चलते हैं वही चीज हमारे लिए श्रेयस्कर होती है, क्योंकि चाहे आपका मील हो प्रोटीन अकेले पूरा नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट पूरा नहीं होता, अगर एक बैलेंस डाइट की बात हम करते हैं उसी तरह हमको एक हमें ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए कि हम इतने बड़े देश को कैसे कैटर कर सकते हैं, कैसे यहाँ के लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, और हर एक आदमी को, कुछ लोग डायरेक्टली मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो डॉक्टर्स हैं पैरामेडिकल हैं वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हैं, इवन आम जनता भी अपने लेवल पे हम सारे लोग अगर अपने को बचाने के प्रयास करेंगे तो कुछ अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो भी थर्ड वेव है बिल्कुल सही कहे कि जब इसके प्रोबेबिलिटी है आने के तो हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए और मिलके काम करना चाहिए बजाय इसके कि और हम किसी भी डॉक्टर मनोज आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि मिलकर काम करना है, बाबा रामदेव को लेकर आपको जो कार्रवाई करवानी है वो एक अलग चर्चा का विषय है, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर हम एक पेंडेमिक सिचुएशन में है, यहाँ पर हर किसी का साथ हो और आम आदमी के लिए जो गरीब से गरीब तबका है उसके लिए हम इलाज मुहैया करवा पाए, उसको राहत दे पाए, हमारा उद्देश्य मेन यही होना चाहिए। हम बैठ कर यहाँ चर्चा कर रहे हैं सिर्फ मकसद यही होना चाहिए कि हम आम आदमी को राहत दे पाए। बाबा रामदेव क्या बिजनेस करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको लेकर बात चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर तब होती है कि हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ उन्हीं पर फोकस्ड हो जाते हैं, फोकस अपना हमको पैंडेमिक पर दिखाए बनाए रखना है जी। मान्यवर आपसे किसने कहा कि हम मिलकर काम नहीं करना चाहते, ये तो बीच में जबरदस्ती कूद गए ये रामदेव जी, नहीं तो हमने कभी भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और यूनानी कभी भी सब साथ मिलकर काम करो भैया। और दूसरी बात आपने एक बात कही थी कि जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, तो अगर आप ध्यान करें जो स्पा वगैरह है जो वेलनेस सेंटर्स है उसमें आयुर्वेदिक है वो भी अपने आप में कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। दूसरी बात इंडियन मेडिकल में आपको स्पा देने वालों को हम भगवान नहीं कहा करते सर, हम भगवान नहीं, हम भगवान हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भगवान आप कह रहे हो ना, तो भगवान जो है उस पर टैक्स नहीं लगाते, उससे हर चीज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो भगवान जब कहता है कि 10,000 का इंजेक्शन है और उतनी संपत्ति हमारी होती है तो हम वो खरीद कर लाकर देते हैं ताकि ताकि हमारी जिंदगी बच सके। इंजेक्शन डॉक्टर नहीं बना रहा है, इंजेक्शन जो बना रहा है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही है जो 5 रुपए का 50 रुपए में बेचती है, जो दवाई की दुकान खोल लेते हैं। अच्छा और अच्छा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे, उसी कोई एक दवा सस्ती भी आती है और एक महंगी भी आती है, तो जो सस्ती दवा होती है उसी फॉर्मूले की महंगी दवाइयां भी बनती हैं, तो जो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा महंगी दवाइयां लिखते हैं।
आप क्या, ये बताइए इस बात से इनकार करेंगे आप? फॉर्मूला फॉर्मूला जबकि एक ही होता है। अरे भाई मैं समझ रहा हूँ पहुंचाने के लिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, आप बताइए बड़े डॉक्टर शहर में लखनऊ में कितने हैं? मैं कहता हूँ जितने भी डॉक्टर्स हैं। अरे चलिए 100, 200, 300, 400 ले लीजिए। बाकी आप ये देखिए जितनी भी दवाई की दुकान में आप अपना स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, आप ये देख लीजिए कि ज्यादातर दवाई वही मिलती है जो आप कहना चाह रहे हो। मैं खुद लेकर आया हूँ, मैं जानता हूँ वो मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ इस वक्त अगर मैं कुछ कह दूंगा तो मुझे जो मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। हम जो है जो समाज मेरी बात सुन लीजिए, मैं दवाई की दुकानों की बात कर रहा हूँ, जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब हमको मालूम है क्या कीमत है उनकी, लेकिन किस में मिल रहा है, ये क्यों हो रहा है? शासन प्रशासन की जमाखोरी और कालाबाजारी, इसी शासन प्रशासन जानता है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ ही तो मुद्दा है, क्या ये अलग मुद्दा थोड़ी ना है? तो वही मैं कह रहा हूँ, इसमें डॉक्टर क्या करेगा भाई? नहीं तो डॉक्टर भी उसकी उसी कड़ी का हिस्सा है। डॉक्टर भी एलोपैथिक इलाज की हम बात करते हैं तो डॉक्टर्स भी उसमें आते हैं, दवाइयां भी उसमें आती हैं। आप ये मुझे आप मुझे बताइए, डॉक्टर ने अगर दवा लिखी बड़े को, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं जिनको ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन जो है एक महीने से ज्यादा हो गया मैं दे रहा हूँ, जो दवाई ये लोग लेकर आते हैं वो मुझे मालूम है जेनरिक है, लेकिन उसका जो प्रिंट प्राइस है, और एक और बता दूं, आप सर्वे कर देख लीजिएगा, जिन दवाई की नाम आप नहीं जानते होंगे, जिन कंपनी के नाम नहीं जानते होंगे, उनके दाम ब्रांडेड कंपनी से ज्यादा है। अरे तो बाबा रामदेव ने ये सवाल भी तो उठाया, आपने इस बात को नहीं सुना। उन्होंने कहा रेमडेसिविर हो, फेली फ्लू हो, जैसी ये जो दवाइयां हैं या फिर जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, जो ऐसी दवाइयां हैं उनको ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की इजाजत मिली हुई थी, लेकिन वो कामगार साबित नहीं हुई, उस पर भी तो सवाल उठाया आप। इसको लेकर क्या नहीं समझेंगे बात? आप ये बताइए, रेमडेसिविर या आइवरमेक्टिन या कोई भी दवा ले लीजिए, कोरोना के बारे में आज भी ना कोई जानता है ना उसका कोई इलाज है। हर आदमी हर जगह, तो फिर हम अस्पतालों में क्या कर रहे हैं सर? हम अस्पतालों में क्या कर रहे हैं फिर? मेरी बात सुन लीजिए जी, बात सुन लीजिए पूरी। संसार भर में सब अपने एक्सपीरियंस से या हम लोग आपस में जो डिस्कस करते हैं उस एक्सपीरियंस से काम कर रहे हैं। बहुत सारे में मेरे पास टेलीकम आते हैं कि डॉक्टर साहब वो फेविफ्लू ले लें, रेमडेसिविर लगा लें, वो उन्होंने वहां लगाया था, उन्होंने वो बता रहे हैं। तो अब ये कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि अगर डॉक्टर ही तो कहता है, डॉक्टर ही तो कहेगा कि रेमडेसिविर की जरूरत है, तभी तो बात फैली। आप अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं इस चीज? अरे मेरी बात सुन लीजिए पूरी जी। उसके बाद अस्पताल में आप गया, मरीज गया, उसको अगर फेविक्लू नहीं दी, रेमडेसिविर नहीं लगाई और बाकी टॉसिलिन नहीं लगाई और जितनी दवाइयां सब नहीं लगाई, तो कल को अगर वो कुछ होगा वैसे ही वो तोड़फोड़ वहां करते हैं। डॉक्टर भी तो दवाइयों के सहारे इलाज करता है ना, डॉक्टर कोई स्पेशल अलग से ट्रीटमेंट नहीं करता, वो दवाइयों का ही तो ट्रीटमेंट करता है बेसिकली, इंजेक्शन हो या फिर गोलियां हो देनी। हाँ जी, तिनके का सारा किसी भी तरह से मरीज ठीक हो जाए, यही कहना चाह रहा था। नहीं देखिए मासूमियत नहीं, मैं डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है दोनों ही जो चिकित्सा पद्धति है, लेकिन अगर ये मासूमियत किसी भी तरफ से झलकाई जाएगी, वो बाबा रामदेव हो या फिर एलोपैथिक के डॉक्टर हो, किसी की तरफ से भी झलकाई जाएगी तो मैं इस पर सवाल पूछूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय इतना ही था। राजेश जी, डॉक्टर मनोज जी, सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर आयुर्वेद की चर्चा हो, एलोपैथ की चर्चा हो, तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं, इस बीच में अगर ये बात कहें कि आयुर्वेद गलत है या फिर एलोपैथ गलत है, तो चिकित्सा पद्धति कोई भी गलत नहीं है। हम दोनों चिकित्सा पद्धतियों का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी पर भी अगर हस्तक्षेप ज़्यादा किया जाएगा, उसका फ़ायदा उठाया जाएगा, आम जनता से उससे लूटखोरी की जाएगी उस माध्यम से, तो फिर सवाल जरूर पूछे जाएंगे, वो चाहे बाबा रामदेव हो या फिर आईएमए हो, क्योंकि जहां पर कमियां हैं उनको सुधारने का वक्त है। हम पैंडेमिक सिचुएशन में हैं और इस पैंडेमिक सिचुएशन में लड़ाई नहीं करनी है, आम जनता जो गरीब जनता है उसको फायदा पहुंचाना है, चाहे इधर से या फिर उधर से। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार।